हेलो किड्स वेलकम टू माय चैनल सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेंपरेचर फ्रॉम द चैप्टर एनिमल्स सो आज मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोग के साथ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बॉडी टेंपरेचर और किस चैप्टर का एनिमल्स का इट सो

classification according to body temperature so let's start cold blooded animals change their body temperature according to the temperature of the outside environment now in this line is saying that cold blooded animals they change their body temperature according to the temperature मीन्स कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं आउटसाइड एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे कि हमारा बाहर का अगर टेम्परेचर uh, कोल्ड है तो उनका भी जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो कोल्ड हो जाएगा अगर बाहर का एनवायमेंट जो टेम्परेचर है हमारा वो हॉट है तो उनका भी बॉडी टेम्परेचर हॉट हो जाएगा सो दैट इज़ वाई दे आर कोल्ड कोल्ड ब्लड एनिमल्स सो दे कैन नॉट रेगुलेट देअर ओन बॉडी टेम्परेचर और ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं देट इज वैन इट इज कोल्ड आउटसाइड दे आर टेम्परेचर डिक्रीज एंड वैन इट इज हॉट आउटसाइड दे आर टेम्परेचर इंक्रीज सो जब बाहर का बॉडी टेम्परेचर अगर कोल्ड है सो देअर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज और अगर बाहर का टेम्परेचर हॉट है सो देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉक्स फिश एंड क्रोकोडाइल्स आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सो हेयर इट इज़ गिवन फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं कौन से एनिमल्स हो गए फ्रॉक Fish and Crocodiles. वारॉर्म ब्लडेड एनिमल्स न हेयर वी विल स्टडी अबाउट वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव अ कॉन्सटेंट बॉडी टेम्परेचर दैट डज़ नॉट वेरी विद द एनवामेंट मीन्स दैट वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव कॉन्सटेंट बॉडी टेम्परेचर मीन्स दे कैन चेंज दिय बॉडी टेम्परेचर इज इंट दट एंड डज नॉट वेरी विद द एनवामेंट और कोई उससे उनको मतलब नहीं होता है All mammals such as lions, tigers and elephants are warm-blooded animals. So warm-blooded animals कौन कौन होते हैं जितने भी mammals है means we are also are under the category of warm-blooded animals. तो हम लोग भी क्या है warm-blooded हैं क्यों हैं अब जैसे आप देख सकते हैं अगर बाहर विं अगर अगर winter season चल रहा है तो हम लोग easily winter season को adopt कर लेते हैं और अगर हॉट सीज़न चल रहा है अगर समर सीज़न है तो हम लोग उस समर्स को अडोप्ट कर लेते हैं ठीक है बट जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो नहीं एडोप्ट करते हैं अपने आप को बट जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं वो अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडोप्ट कर लेते हैं सो so इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं लाइन्स टाइगर्स एलिफेंट्स सो ऑल दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स ओके

टू पार्ट्स में डिवाइड किया है दैट मीन्स डायर्नल एज वेल एज नॉकटर्नल ठीक है सो वॉट इज डायर्नल डायर्नल आर एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम वो डे टाइम में एक्टिव होते हैं और नाइट में दे आर इनएक्टिव नाइट के समय इनएक्टिव हो जाते हैं और नॉकटर्नल इसका जस्ट वाइज वर्ड सा दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड इनएक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम नो कैन यू थिंक अब हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं वी आर अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरनल एनिमल्स और वी आर अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉकटर्नल एनिमल्स जस्ट थिंक अबाउट इट ओके हम लोग एक्टिव डे में होते हैं कि नाइट में होते हैं वी आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम हम लोग डे में एक्टिव होते हैं और नाइट में वी आर इनएक्टिव तो हम लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं डायरनल में आ जाते हैं The so most mammals and birds are active during day and inactive during the night. Such animals are called diurnal animals and nocturnal. Nocturnal animals sleep during the day. So, nocturnal animals what they do? They sleep during the day. They have enhanced night vision. विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू बी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट अब नाइट के समय वो एक्टिव होते हैं तो उनका जो विजन होता है ना देखने का जो जो विजन होता है वो बहुत अच्छा होता है दैट दे कैन सी एट नाइट हम लोग तो नाइट में नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टरनल्स होते हैं ना दे कैन सी वेरी क्लियरली ड्यूरिंग नाइट टाइम आउल्स एंड बैड्स आर नॉकटर्नल एनिमल्स अब इनके एग्जाम्पल कौन होते हैं आउल्स एंड बैट्स ये होते हैं नॉकटर्नल क्योंकि ये नाइट में एक्टिव होते हैं ऑल राइट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आर क्लासीफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ अ बैकबोन अब बैकबोन के प्रेजेंस और एबसेंस के अकॉर्डिंग कुछ एनिमल्स को क्लासीफाइड किया गया है एनिमल्स विद बैक बोन्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्रिड्स अब जिन एनिमल्स में बैक बोन्स होते हैं उनको क्या बोला गया वर्टीब्रिड्स और जिनमें बैकबोन नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रिड्स न कैन यू टेल मी डैट ह्यूमन बींग्स लाइज अंडर विच कैटेगरी दे आर वर्टिब्रिड्स और दे आर इनवर्टिब्रिड्स हम लोग वर्टिब्रिड हैं कि इनवर्टिब्रिड है वी हैव द बैकबोन आप लोग अपने हैंड से टच करिए पीछे की तरफ ले जाइए अपने पीठ की तरफ ले जाइए और एकदम सेंटर में आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है ना उस उसी को तो वर्टिब्रेट बोलते हैं तो वर्टिब्रेट के अकॉर्डिंग जो है इसको कैटेगराइज किया गया है अगर जिसका ये वर्टिब्रेट नहीं होता है तो उसे हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स और जिसका वर्टिब्रेड होता है उसको हम बोलेंगे वर्टिब्रेड्स ठीक है तो हम लोग किस कैटेगरी में लाई करते हैं हम लोग का स्पैनल कॉर्ड है और वर्टिब्रेट और वर्टिब्री भी बोलते हैं इसको हम लोग तो हम लोग किस कैटेगरी में लाई करते हैं तो वी आर वी लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स वी आर वर्टिब्रेट्स बिकॉज वी हैव बैक बोन्स दे हैव एन इंटरनल स्केलेटल सिस्टम मेड ऑफ बोन्स और और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें इंटरनल स्केलेटन सिस्टम वो बोन्स का बना हुआ तब हम लोग का स्केलेटन सिस्टम बोन्स का बना है कि किसका बना हुआ है बोन्स का बना हुआ है इज इट दे ब्रीथ विथ लंग्स और गल्स एंड ऑल्सो दे ब्रीथ विथ लंग्स एंड गिल्स लंग्स एंड गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं दे मूव विथ फिन्स और लेग्स और इनका जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है फिंस के थ्रू होता है और या फिर लेग्स के थ्रू होता है मूवमेंट किसका मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रेड्स तो वर्टिब्रेड्स का मूवमेंट फिनस या लेग्स के के द्वारा होता है ओके वॉटीब्रेड्स ऑल्सो हैव हेड्स विद ब्रेन्स दैट आर पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम एंड ऑफकोर्स हैव हेड्स विद ब्रेन वर्टी में हेड भी हो पाया जाता है और हेड में ब्रेन भी होता है एंड दे हैव सेंस ऑर्गन सच एज आइज एंड नोज और वर्टी में सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं These animals include primates such as monkeys and humans, amphibians, reptiles, birds and fishes. So these are the few examples of vertebrates. Next, animals that do not have a backbone are known as invertebrates. Origin animals past the, the animals which lack the backbone are called invertebrates. Example: Insects, worms snails and spiders are invertebrates so here are the few examples of invertebrates now next ab niche hum log aayenge ek chart dikha diya hua hai isme characteristics de rakha hai vertebrates ka okay so characteristics of vertebrates are vertebrates ka characteristics kya hota hai तो इसमें क्या है name दिया है, body structure दिया है, reproduction as well as their habitat नंबर वन पे फिशेस, सो ऑल दीज आर वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियस दिज ऑल लाइज अंडर वर्टिब्रेट्स, सो फिशेस, सो बॉडी स्ट्रक्चर हैव स्ट्रीम बॉडीज स्ट्रीम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था स्ट्रीमलाइंड क्या होता है जिनकी जो होती है बॉडी टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड बॉडी टेपर्स टुवर्ड्स द एंड हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज हैव बैक बोन्स इनमें बैक बोन्स भी होता है हैव अ स्केलेटल सिस्टम मेड ऑफ आइदर बोन और कार्टिलेज कार्टिलेज क्या होता uh, soft tissues है सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं तो जो वर्टिब्रेट्स होती हैं जो फिशेस के बारे में हम बातें कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स में फ़िश है उसकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है इनमें बैक बोन होता है और जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किसका बना हुआ होता है इट इज़ मेड अप ऑफ बोन और कार्टिलेज इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है दे ले एग्स ओके और इनका हैबिटेट क्या ये रहते कहाँ पर है तो लिव इन वाटर एंड यूज फिंस टू स्विम सो फिशेस लिव इन वाटर एंड फॉर स्विमिंग दे यूज फिंस गर्ल्स अलाउ देम टू ब्रीद इन वाटर और ये वाटर में किसकी हेल्प से ब्रीद करते हैं दे ब्रीद विद द हेल्प ऑफ गर्ल्स नेक्स्ट जो आता है एम्फीबियंस एम्फीबियंस क्या होते हैं द एनिमल्स विच लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड तो ऐसे एनिमल्स की जो कैटेगरी होती है वो एम्फीबियंस में आती है सो एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सो दिस दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट एम्फीबियंस हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स हाइबरनेट मींस द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दे गो अंडर द लॉन्ग स्लीप ये लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं जब विंटर्स होता है तो देयर ऑफ स्प्रिंग्स हैच आउट ऑफ एक्स अब ये भी जो होते हैं एग्लेंग होते हैं और इनका जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो एग्स से बाहर निकलते हैंच करके लिव इन वाटर अब इनका हैबिटेट कैसा है लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड सो एम्फीबियन से वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं एम्फीबियंस ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स लंग्स द अब ये किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज या तो इन दोनों के हेल्प दोनों की या गिल्स और लंग्स दोनों से भी ये ब्रीथ करते हैं दैट मीन्स जब ये वाटर में होते हैं तो ये गिल्स का यूज करते हैं और जब ये लैंड में आते हैं तो ये लंग्स का यूज करते हैं नेक्स्ट आया रेप रेक्टाइल्स अब रेपटाइल्स कौन होते हैं दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं दे आर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवामेंट अब इनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो जो है एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनीमल्स सो रिप्रोडक्शन क्या होता है दे आर ऑफ स्प्रिंग्स हैच आउट ऑफ एक्स कैसा होता है ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वो एक्से हैच करते हैं एक्से हैच मीन्स एक्से बाहर निकलते हैंबिटैट अब इनका हैबिटेट कैसा होता है लेट्स रीड मोस्टली लिव ऑन लैंड एंड हैव स्केली स्किन अब ये जो होते हैं जनरली लैंड में ये रहते हैं और इनका जो स्किन होता है वो स्केली होता है स्केली टाइप स्किन मोस्ट रेप्टाइल्स ब्रीद थ्रू लंग्स और बहुत से जो रेप्टाइल्स होते हैं वो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं फाइट सम रेप्टाइल्स कैन ऑल्सो एब्जॉर्व ऑक्सीजन इन वाटर थ्रू द मैम्ब्रेन इन द माउथ अब इनके माउथ में एक तरीके की मैम्ब्रेन होती है तो जब वो वाटर में होते हैं तो वो उस मैम्ब्रोन की हेल्प से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं फाइट नॉ नेक्स्ट बर्ड्स अब बर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है दे आर वार्म ब्लडेड सो बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड हैव अडोप्टेड देअर वर्टिब्रेड स्केलेटन फॉर फ्लाइट अब ये जो है अपना जो स्केलेटन है वो उस लोग ने किसमें अडॉप्ट किया है अपना जो ये अडोप्टेड देर वर्टिब्रेट स्केलेटन फॉर फ्लाइट जो इन्होंने जो अपना स्केलेटन है वर्टिब्रेट स्केलेटन को एडॉप्ट किया है फ्लाइट के लिए दे आर बोन्स एंड स्कल आर वेरी थिन मेकिंग देर बॉडी एक्सट्रीमली लाइट अब इन अब इनके जो बोन्स हैं और स्कल्स जो होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं दे आर वेरी थिन क्यों थिन होते हैं क्योंकि बर्ड जो होती हैं वो तो फ्लाई करती हैं अगर थिन नहीं होंगी तो उनकी बोन्स हैवी हो जाएंगी हैवी होंगी तो ये फ्लाई नहीं कर पाएंगी तो इसलिए इनके बोन्स और जो स्कल हैं वो बहुत ही थिन होते हैं जिस वजह से इसमें लिखा है ना एक्सट्रीमली लाइट बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं जिससे कि उनकी बॉडी का, का जो वेट होता है ना वो बहुत ही लाइट होता है ताकि वो फ्लाई आसानी से कर सकें अब इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है लेट्स रीड इट यंग वंस हैज़ फ्रॉम एक्स इनके भी जो यंग वंस होते हैं या ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वो एक्स से हैच करते हैं द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर द यंग हैचिंग्स टिल टिल दे आर ओल्ड इनफ टू सर्वाइव ऑन देयर ओन तो इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने यंग वंस की केयरिंग करते हैं तब तक करते हैं जब तक कि ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते सेल्फ डिपेंडेंट मीनस ये खुद से फ्लाई नहीं कर पाते हैं तब तक पेरेंट्स इनकी केयरिंग करते हैं नॉ लेट्स रीड अबाउट हैबिटेड अब इनका हैबिटेड कैसा होता है बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फैदर्ड्स अब बर्ड्स ऐसे एनिमल्स होती हैं जिनमें फैदर्स होता है दैट मीन्स uh, ये जो होते हैं अपना जो फोर लिम्स होता है हो, वो मॉडिफाई कर देते हैं फैदर्स में ऑल बर्ड्स है विंग्स और सम कैन फ्लाई अब बर्ड्स में सारे बर्ड्स में विंग्स होता है लेकिन कुछ फ्लाई कर पाती हैं डी यू नो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हो बर्ड्स होती हैं दे आर कॉल्ड विंग लेस बर्ड्स डी यू नो वॉट आर विंगलेस बर्ड्स कौन सी होती हैं विंगलेस बर्ड्स पता है बर्ड्स हैं लेकिन विंग्स हैं जैसे पैंगविन कीवी ऑल दीज आर विंगलेस और फ्लाइट लेस बर्ड्स हम इनको बोलते हैं क्योंकि इनके पास विंग्स तो है बट ये फ्लाई नहीं करती हैं नेक्स्ट आता है लास्ट हम लोग आते हैं मैमल्स में अब मैमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है आर वॉर्म ब्लडेड मैमल्स कैसे होते हैं दे आर वॉर्म ब्लडेड होते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है इनका द फ़ीमेल्स ऑफ द द फीमेल्स ऑफ द स्पीशीज गिव बर्थ टू फुली फॉर्म बेबीज एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग वन सो मैमल्स दे गिव बर्थ टू यंग वन ठीक है अभी तक जो हम लोग ने रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में पढ़ा था दे देअ ऑफ स्प्रिंग हैच फ्राम द एग्स लेकिन जो मेमल्स होते हैं उसमें जो होती हैं फीमेल गिव बर्थ टू यंग वंस एंड देयर बेबीज फीड ऑन देअ ऑन देअर मदर्स मिल्क नेक्स्ट आते हैं हम लोग हैबिटेट लिव ऑन लैंड और इन वाटर ये लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं द बॉडीज ऑफ मोस्ट मैमल्स आर कवर्ड विथ हेयर और फर अब जो बॉडीज़ होती हैं मैमल्स की वो मोस्टली जो है वो हेयर या फर से कवर्ड रहती हैं सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल और ये जो बाकी का जो जो, जो एडेप्टशन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने में शेयर करूँगी ओके okay?